वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 29 मार्च की करंट अफेयर। तो 29 मार्च की करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा साथ ही साथ उस पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं 29 मार्च की करंट अफेयर्स को। दोस्तों, करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, चाहे SSC हो या बैंक हो या रेलवे या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया। हाल ही में म्यांमार का नया राष्ट्रपति दोस्तों विन मिंत को चुना गया है। दोस्तों, विन मिंत म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने जो पिछले राष्ट्रपति थे हटिन क्यूब, उनका स्थान लिया था। दोस्तों, हटिन क्यूब लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति थे और उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों की वजह से त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो उनके स्थान पर विन मिंत को चुना गया है। दोस्तों, विन मिंत आन सान सू की के करीबी, बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उनके सहयोगी माने जाते हैं, तथा वो सन 2012 में निचले सदन में स्पीकर भी रह चुके हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, म्यांमार की राजधानी नाइपिडू है और वहाँ के जो स्टेट काउंसलर हैं वो आंग सांग सू की हैं। तो दोस्तों, हाल ही में म्यांमार का नया राष्ट्रपति विन मिंत को चुना गया है। दोस्तों, यहाँ पर नया जो शब्द है वो दो बार लग गया है, उसको आप काट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला कीट संग्रहालय किस स्थान पर खोला गया। तो दोस्तों, भारत का पहला कीट संग्रहालय हाल ही में तमिलनाडु में खोला गया है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने हाल ही में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 5 करोड़ के कीट संग्रहालय का अनावरण किया है। दोस्तों, 5 करोड़ रुपए के कीट संग्रहालय का अनावरण किया है। दोस्तों, ये जो संग्रहालय है वो 6,691 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थित है और ये जो संग्रहालय है वह पूर्णतः कीटों को समर्पित है और देश का पहला कीट संग्रहालय है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और वहाँ की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और वहाँ की मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी है। तो दोस्तों, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस आजीविका मेला 2018 कहाँ शुरू हुआ। तो दोस्तों, सरस आजीविका मेला सन 2018 नई दिल्ली में हाल ही में शुरू हुआ है। दोस्तों, सरस आजीविका मेला 2018 में नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आयोजित किया गया है। और दोस्तों, मैं भी आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है, क्या, सरस आजीविका मेला। दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये सन 2011 में शुरू हुआ था, 2011 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो मेला आयोजित होगा आजीविका मेला, वो नई दिल्ली में आयोजित होगा। चौथा प्रश्न है इस वीडियो का आपका, भारत और ADB ने कितने मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, हाल ही में भारत और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और भारत सरकार ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण TVET संस्थान के आधुनिकीकरण के मदद करने और हिमाचल प्रदेश राज्य में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने हेतु 80 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 80 मिलियन का समझौता किया गया है। $80 मिलियन है यहाँ पर। ADB के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ताके हिको नाको हैं और ADB का मुख्यालय मनीला में है, जो कि आपकी फिलीपींस की राजधानी है। दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी, यानी कि ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो दोस्तों, हाल ही में भारत और ADB ने कितना समझौता किया है, कितने रुपए का समझौता किया है। तो दोस्तों, $80 मिलियन का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए। तो दोस्तों, भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, विजय राघवन वर्तमान में भारत सरकार के प्रमुख सलाहकार व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी राजगोपाल चिदंबरम का स्थान लेंगे। और दोस्तों, राजगोपाल चिदंबरम पिछले 16 वर्ष से इस पद पर कार्यरत थे, जबकि विजय राघवन को 2014 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और अब विजय राघवन भारत सरकार के नए वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का आपका छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम विधेयक पारित हुआ। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम विधेयक पारित हुआ है। दोस्तों, ये जो अधिनियम है वो हाल ही में
विधानसभा में पारित किया गया है। और दोस्तों यूपी कोका विधेयक, जिसका ये दूसरा नाम भी है, यूपी कोका विधेयक आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए बनाया गया एक कानून है, और जो संगठित अपराध होते हैं उनसे निपटने के लिए बनाया गया कानून है। दोस्तों इसमें कोई व्यक्ति यदि अगर विस्फोटकों का प्रयोग करके या कोई हिंसक साधनों का प्रयोग करके जन विरोधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष की कैद हो सकती है, और अधिकतम अगर हम बात करें तो उसे मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम विधेयक, यानी दूसरा इसका नाम यूपी कोका विधेयक पारित हुआ है। तो दोस्तों इसका अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, सरकार किसकी जयंती पर 350 रुपये का सिक्का जारी करेगी। तो दोस्तों सरकार हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती पर सिक्का जारी करेगी 350 रुपये का। दोस्तों जयंती के उपलक्ष्य में 350 रुपये का जो सिक्का जारी करेगी ये उनकी 350वीं जयंती होगी, और जो कि 2016 में मनाई गई थी, जो 350वीं जयंती थी 2016 में मनाई गई थी, और अब उसका उसकी याद में 350 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। दोस्तों सिक्कों के पीछे केंद्र में तख्त श्री हरमिंदर साहब जी पटना साहिब का जो तस्वीर होगी, उस मंदिर की तस्वीर होगी, और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो उनका जन्म सन 1666 में हुआ था, और उसी की उपलक्ष्य में 350वीं जो शताब्दी है उनकी, 350वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में ये सिक्का जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का हाल ही में जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है वो किया है जवाद रहीम को। दोस्तों एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और उच्चतम न्यायालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति जवाद रहीम को एनजीटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और दोस्तों जो नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो औपचारिक रूप से स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तक अपना पद का कार्यभार ग्रहण करते रहेंगे, और ज्यों ही स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी इसके बाद वो अपना कार्यकाल छोड़ देंगे। दोस्तों न्यायमूर्ति जवाद रहीम सन 2006 से 2014 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में जवाद रहीम को नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये रहे इस वीडियो के आपके 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे, और आज है आपका क्विज का क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया है कि मैं हर वीडियो में आपसे एक क्विज का क्वेश्चन करता हूँ जो कि पिछले वीडियो पर आधारित होता है। तो इस क्विज में आपका प्रश्न है विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार हाल ही में कौन सा देश बना। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और इस वीडियो को कम से कम एक बार शेयर जरूर कर दें जिससे कि आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल की करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।